ज़ेपोरिज्या से एक और बड़ी खबर आ रही है। ज़ेपोरिज्या में मारे गए 45 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन की 15वीं ब्रिगेड के 2 हाउजियर तबाह विद अ विजुअल। हमले में अमेरिकी निर्मित M119 गन तबाह। रूसी हमले में यूक्रेन के 2 इन्फेंट्री व्हीकल तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कुपियांस में। मैं बार बार कह रहा हूं 48 घंटे में 1000 की मौत, यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है ये कुपियांस में, रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग था ये। कुपियांस में यूक्रेन के 170 सैनिक मारे गए। ये देखिए जरा, यूक्रेन के 2 मिलिट्री ट्रक, 2 हाउजियर नष्ट हो गए। हमले में यूक्रेन के 25 एयर असॉल्ट तबाह। 14वीं और 115वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को भी नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में सीधे आइए बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं। 48 घंटे में 1000 की मौत और पुतिन का जो क्लेम है वो और बड़ा है। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को बड़ा झटका। ब्रेक करिए। पुतिन ने कहा काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। जवाबी हमले में 90,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेनी सेना के 557 टैंक, 1900 आर्मर्ड वाहन नष्ट हो गए। काउंटर ऑफेंसिव पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा दावा। सीधा आइए फ्लोर, इसके फ्लोर जो है वो दिखाइए जरा बड़ी खबर। काउंटर ऑफेंसिव से यूक्रेन को नुकसान पहुंचा है। सीधे प्ले ऑन करिए राहुल। सैनिक करीब 90,000 मारे गए हैं, यह जानकारी आ रही है। पुतिन का कहना है टैंक 557, आर्मर्ड वाहन 1900, यूएस ब्रैडली जो है वो 30 यूएस ब्रैडली खत्म। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा। यहीं से लीजिए एक और बड़ी खबर, डीपीआर एलपीआर में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बल्कि डोनेस्क और लुहांस्क मिला के बन जाता है डोनबास में रूस का बड़ा हमला, जो जानकारी आ रही है। यूक्रेन के मिलिट्री कमांड पोस्ट पर हमला। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। हमले में यूक्रेनी ब्रिगेड के 3 कमांड पोस्ट तबाह हो गए, यह जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। साउथ यूक्रेन ने रूसी हमलों से सहमा यूक्रेन, ये बड़ी खबर। डोनेस में 165 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। सीधा आइए राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। साउथ डोनेस में 185 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर परमाणु हथियारों पर पुतिन की सबसे बड़ी चेतावनी। पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की दी धमकी। रूस पर हमला हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, बड़ी खबर है ये, बड़ी खबर है। रूस पर हमला करने वाले कभी नहीं बच सकते, पुतिन ने कहा, ये बड़ी खबर। ये है पुतिन का एक्चुअल वीडियो जहां पर पुतिन इस बात का जिक्र कर रहे हैं, हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। राहुल मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइए, और पुतिन ने जो परमाणु युद्ध की धमकी दी है उस पर बात करते हैं। सीधे दिखाइए जरा राहुल, यहां पर तेजी से आइए। ये देखिए यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने न्यूक्लियर जंग की धमकी दे दी है, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर जो जानकारी आ रही है, जो रूस पर हमला करेगा वो कभी नहीं बचेगा, पुतिन ने यह कहा है। फिर अलर्ट बोर्ड में रूस के परमाणु हथियार, सूत्रों के हवाले से, रूस पर हमला हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर, पुतिन ने कहा है। राहुल मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग के साथ पुतिन के शॉर्ट भी बीच में चलाइए, अलॉन्ग विद दी शॉर्ट। सीधे चलिए जल सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, आप हम लोग रेड लाइन की बात कर रहे थे, वी डोंट सी एनी रेड लाइन, एवरीथिंग हैज बीन क्रॉस्ड, लेकिन पुतिन का जो थ्रेट है अब वो बहुत ओपनली बाहर आ रहा है। देखिए निशांत, मेरा मानना है, अशोक सर कह रहे थे कि यू नो ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, मैं भी न्यूक्लियर बैटल रेटरिंग नहीं कर रहा हूं, मगर रियलिटी ये है कि 2 कंडीशन दिया है पुतिन ने, एक अटैक ऑन रशिया, और ये कहते हैं उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है, और वो अटैक ऑन रशिया तो हो ही रहा है,
उनके एग्जिस्टिंग थ्रेट के लिए जब नाटो या कोई भी ऐसा करेगा तो पुटिन 100%, ये मेरा मानना है कि आप वो इस्तेमाल करेंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर का करें या बड़े हथियारों का, सरमट का डिप्लॉयमेंट और उसके बाद सरमट का एक टेस्टिंग हो रहा है। आपने बताया ना 18,000 किलोमीटर है पूरा वो, यू नो यूके। सर सर अगर मैं आपको थोड़ा सा रोक पाऊं, मैं माफी चाह रहा हूं आपको, एक सेकंड के लिए बस रोक रहा हूं, एक खबर बता के मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। पुतिन ने कहा कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अपने अस्तित्व के लिए करेंगे, लेकिन क्या आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं कि क्यों पोलैंड में, पोलैंड की राजधानी में अभी इस वक्त जो हो रहा है वो खतरनाक क्यों है? सी द नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए राहुल, राजधानी वॉर्सो में एयर डिफेंस की तैनाती, ब्रेक करिए। पोलैंड की राजधानी में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, ये बड़ी खबर है, वॉर्सो में पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, बेलारूस से तैनात, तनाव के बाद पोलैंड का बड़ा फैसला, पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर चरम पर तनाव। राहुल पुरानी वाली वॉल लीजिए, पुतिन वाली, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, समथिंग इज ब्रूइंग, पोलैंड की राजधानी में एयर डिफेंस सिस्टम, पुतिन की धमकी, बेलारूस से खारकीव पर अटैक, I am trying to connect the dots, sir. कुछ तो हो रहा है। Absolutely होगा। ये देखिए, आप डॉट को कलेक्ट करने के अलावा यदि आप रिव्यू ऑफ सिचुएशन करेंगे तो जब जैसे लिटिल बॉय का यूज हुआ था, यू नो, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वॉर को खत्म करने के लिए, पुतिन अपने विंटर ऑफेंसिव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 3,70,000 ट्रुप्स 3 बैटल ग्रुप में तैयार है। ये ऑटम रेन खत्म होने के बाद ये कभी भी लॉन्च होगा, ये देख लीजिए। जब आप बता रहे हैं कुप्यांस्क में, खारकीव में, और सेकेंडर मिसाइल का जो आपने बेलारूस से बताया, और पोलैंड की जो आप बात की, पोलैंड भी इसको समझने लगा है। वो कहता है कि हम रिफ्यूजी नहीं देंगे, वेपन नहीं देंगे। अभी क्यों मान रहा है, क्यों डरा हुआ है? उसका एक कारण है, और उसके साथ कंटिगुअस है जो रशियन मिलिट्री रीजन है एक, यू नो, पोलैंड के साथ, वहाँ जो उसका जो गैप है, उस गैप को, सेल्वा के गैप को कहते हैं, वो गैप को तो जरूर 100% वो एड्रेस करेगा। पॉइंट टेकन सर। बेलारूस से ही। बी विद मी सिन्हा सर, यू मेड इट अ पॉइंट सर। लेकिन सीधे आइए अब जरा अगली खबर पर, मैं जा रहा हूँ सीधे, देखिए जरा, 48 घंटे में 1,000 की मौत, लेकिन चेंज करिए ब्रांडिंग, प्रिगोजिन, ग्रेनेड से मरा प्रिगोजिन, ग्रेनेड से मरा प्रिगोजिन, ये खबर क्या है और क्यों पुतिन ये कह रहे हैं? पहली बड़ी खबर ज़ेपोरिज्या में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी पियोन विद अ विजुअल, यूक्रेन की स्पार्टन ब्रिगेड ने किया हमला, ये देखिए जरा स्पार्टन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए, ज़ेपोरिज्या हमले में 6 रूसी टैंक तबाह विद अ वीडियो, 3T-72 टैंक और 1T-80 टैंक नष्ट हो गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए विद द वीडियो, GMLRS ने रूसी वाहन उड़ाया, ये देखिए वीडियो देखिए जरा, गोला बारूद भरे ट्रक में किया विस्फोट, ये देखिए जरा,